मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को सातवीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम पिछले लाइव क्लास के अंतर्गत पाठ संख्या 16 का विस्तृत अध्ययन किया, जो एक आधुनिक कविता है, इसके कवि हैं केदारनाथ कोमल। तो इस कविता के अंतर्गत हमें पाठकों को, श्रोता को यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या छात्र के रूप में हम जो है छोटी सी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना है। आगे चलकर वह गलतियां सुधारने से हमें एक प्रबुद्ध, एक विषय पर निपुणता हासिल होगी और इससे जो है समाज में भी, पूरे विश्व के लिए भी जो है आपको अच्छा जो है कहलाएगा और सुख संतोष जो है आपके जीवन में सुख संतोष जो है छाया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया, अलग अलग बूंद बूंद से सागर बनने का एक उदाहरण दिया, और सूत जो है मिलकर जो है एक चादर बनता है उसका उदाहरण दिया। उसके साथ साथ मिनट मिनट जो है मिलकर हम जो है वर्ष साल का, यहाँ पर यानी वर्ष का उदाहरण उन्होंने दिया है। और हमें इसके अलावा तन मन से जो है प्रबुद्ध होकर डट कर रहने की, कोई भी समस्याओं पर डट के रहने की जो है यहाँ पर हमें इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है। और उसी प्रकार पैसे पैसे जोड़ेंगे तो आप धनवान बनेंगे, इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा जो है ज्ञान को अर्जन करते हुए प्रतिदिन, जो एक दिन आप जो है बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, ऐसे जो है पैसों के माध्यम से आपको बना रहे हैं। और जैसे देखिए, थोड़ा थोड़ा जो आप जो है पूरा विश्व को या पूरे भारत को एक बार नहीं देख सकते, हिंदुस्तान को थोड़ा थोड़ा जो है चलकर ही तो हमें क्या करना है, हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान को देखना है। ठीक है, उसी प्रकार ये इसके अलावा जो है बहुत ही जो अंतिम पंक्ति है उसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है संदेश दिया है कि हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, हमेशा जो है अच्छे अच्छे काम करने हैं, ना बल्कि बुरे कामों को। ठीक है, अच्छे काम करते रहिए, उसके बाद जो है अच्छे अच्छे बातें भी, प्यारी प्यारी आपको बात करना है, ये उसमें बताया गया है कि ये दो काम करेंगे तो आपका जो है व्यक्तित्व बहुत ही जो है महान के रूप में कहलाएंगे। और उसके साथ साथ जो है कोई भी, यहाँ पर जो आजकल भारत में आप टीवी या अन्य न्यूज़ चैनलों में देखते हैं किस तरह जो है भारत का हाल आज हो गया है, तो उसे ये सब काम करने से और प्यारी प्यारी बात करने से जो है ये आपके आपसी जो है संबंध को अच्छा बनाएगा, जो हम भारत को विविधता में एकता कहते हैं उसे हम बरकरार रखने का कोशिश कर सकते हैं। और इसके ये सब देखकर जो है धरती माँ, जो हम माँ कहते हैं, धरती माँ जो है नाच उठेगी। ठीक है, ऐसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विवरण जो है किया है। आज हम उसके कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। सागर कैसे बनता है? ठीक है, सागर जो है कैसे बनता है? तो सागर जो है बूंद बूंद से मिलने से जो है सागर बन जाता है। ठीक है, इस तरह उत्तर आपको लिखने हैं। इस बार जो है आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही जल्दी जो है सर्कुलर भी आएगा और आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, तो प्रश्न जो है लिखिए, इस बार जो है डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, यानी आपको लिखना भी होगा। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर। हम धनवान कैसे बन सकते हैं? हम कैसे धनवान बन सकते हैं बताइए, आपको एक वाक्य में पूछा है, तो पैसा पैसा जोड़कर जो है आप धनवान बन सकते हैं, ऐसे उत्तर लिखना है। हम धनवान पैसे पैसे जो जोड़कर जो है, या हम पैसे जोड़कर जो है धनवान बन सकते हैं, ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, साल कैसे बनता है? साल जो है कैसे बनता है? इस कविता के अंतर्गत मिनट मिनट मिलकर ही तो साल बनता है, ऐसे आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करोगे? हिंदुस्तान की यात्रा आप कैसे करोगे? एक तो देखिए हिंदुस्तान एक दिन में आपको घूमना नहीं होगा, असंभव है, तो हमें
कैसे थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो क्या करना है, हिंदुस्तान की यात्रा हमें थोड़ा थोड़ा चलकर जो है हिंदुस्तान की यात्रा करना है, ठीक है, करोगे, उसने कहा है, उन्होंने कहा है, तो हमें क्या लिखना है, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो हिंदुस्तान की यात्रा करना है। तो उसके आगे देखिए क्या है, इस पद्य भाग को पूर्ण करो, बूंद बूंद के डैश डैश चादर, तो क्या होगा, वो बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। ये एक स्टांजा जो है, पंक्ति, पहली पंक्ति को पूर्ण करना है। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आने वाले परीक्षाओं में, तो देखिए 5 अंक के लिए पूछा जाएगा, तो इसे भी ध्यान पूर्वक आप देख सकते हैं किस तरह बूंद बूंद यानी इसकी कविता को आपको पूर्ण करना पड़ेगा। उसके बाद जोड़ कर लिखो, अगला जो है भाग अ और भाग आ यहाँ पर दिया है, जोड़ कर लिखना है। तो पहले भाग में देखिए बूंद बूंद के मिलने से, और दूसरा है मिनट मिनट ही मिलकर, पैसा पैसा जोड़े तो, चौथा है अच्छे अच्छे काम करो। तो दूसरा आ भाग में देखिए बन जाओगे धनवान और बातें प्यारी प्यारी, बन जाता है सागर बन जाता है साल। तो बूंद बूंद के मिलने से क्या होगा, बन जाता है सागर, तीसरा जो है भाग आ के अंतर्गत तीसरा जो बन जाता है सागर, ऐसा आपको वाक्य पूरा करना है। उसी प्रकार मिनट मिनट ही मिलकर क्या बन जाता है, बन जाता है साल, चौथा ऑप्शन देखिए दूसरे भाग में से, मिनट मिनट ही मिलकर बन जाता है साल। उसी प्रकार तीसरा है पैसा पैसा जोड़ो तो क्या हो जाओगे, बन जाओगे धनवान, दूसरे भाग में पहला जो है वो पैसा पैसा जोड़ोगे तो बन जाओगे धनवान। उसी प्रकार चौथा है अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो और क्या करना है, दूसरा ऑप्शन है देखिए भाग दो के अंतर्गत, अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, इस तरह जो है आपको लिखना है। उसके बाद अगला देखिए सही वर्णों से खाली जगह भरना है। जैसे यहाँ पर पानी के लिए उन्होंने समानार्थी शब्द लिखा है जल, उसी प्रकार सागर के लिए क्या होगा, समुद्र, मुंह वहां पर आपको लिखना पड़ेगा समुद्र। उसी प्रकार हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को और एक नाम यानी समानार्थी शब्द जो है भारत। धरती का देखिए, धरती को और एक नाम है भूमि, भू दीर्घ वाली भूमि, ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आकाश, आकाश यानी जो ऊपर आप देखते हैं उसे, और एक नाम है आसमान, आसमान, ठीक है। इस तरह आपको ये खाली जगह जो है भरना है। यदि आपने नहीं लिखा है तो ये लिख कर रखिए, गृह कार्य जो है इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको लिख कर रखने हैं, क्योंकि आने वाले परीक्षा में पूछ सकते हैं। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो, अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक में हमें जो है कुछ जो उत्तर उसके दिए गए हैं उसे हमें जो है भरना है, सही जो है विकल्प भरना है। तो पहला है डैडेश पानी में रहती है, इसमें तीन जो है विकल्प दिए गए हैं, पहला है मछली, दूसरा है कोयल, तीसरा है बैल। तो क्या होगा इसमें, हमें पानी में रहने वाले, तो सही उत्तर होगा मछली पानी में रहती है, इस तरह लिखना। उसी प्रकार दूसरा है एकता में डैश है, तो क्या है, फल है, बल है, जल है। तो इसका सही उत्तर जो है इस प्रकार होगा, एकता में बल है, ठीक है। तो तीसरा देखिए वहां पर हमारे राष्ट्रीय झंडे में डैश रंग है, तो विकल्प है 2, 8, 3। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए, तो सही उत्तर इसका यानी सही वाक्य जो है इस प्रकार होगा, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं, ठीक है, कौन कौन से, केसरिया, सफेद और हरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस कविता की प्रथम 8 पंक्तियां कंठस्थ करो, यानी यहाँ पर दिया गया है यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति,
आठ लाइन उन्होंने बताया, आठ पंक्तियों को, यानी एक लाइन जो है एक पंक्ति कहलाती है। तो प्रथम आठ यानी दो यहाँ पर पंक्तियां जो है, एक लाइन को हम पंक्तियां कहते हैं। तो इस तरह आपको पंक्तियां यानी समझना चाहिए कि लाइंस, पहला लाइन, ऐसे आठ पंक्तियां यानी कितने होंगे, एक जो स्टांजा यानी एक जो है वो कितने हैं, चार पंक्तियों का है, तो आठ पंक्तियां। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, पानी में और पानी के बाहर रहने वाले प्राणियों का वर्गीकरण करो। ठीक है, पानी के अंदर और पानी के बाहर रहने का जो है प्राणियों का वर्गीकरण करना है। जैसे मछली जो है पानी में रहने वाली प्राणी है, तो हमें यहाँ क्या करना है अभी, तो पहले पानी में रहने वाले पानी जो है उनको छह यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मछली, बाघ, कछुआ, सियार, मेंढक, मगरमच्छ, हाथी, शेर, बिल्ली, केकड़ा, गाय, ऑक्टोपस। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या क्या आपको लिखना होगा। तो आपने ध्यान में रखा होगा अभी छह प्राणियों के नाम हम लिखेंगे अभी। पहला है मछली, दूसरा है कछुआ, और तीसरा है मेंढक, ठीक है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग कहते हैं ना। उसके बाद चौथा है मगरमच्छ, पांचवा है खेकड़ा, ठीक है, उसके बाद छठा है ऑक्टोपस। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो है, अभी हमें पानी के बाहर रहने वाले, तो देखिए मैंने पहले ही पढ़ लिया है, तो देखिए कौन कौन से हैं, बाघ, सियार, हाथी, शेर, बिल्ली और छठा है गाय। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए इन रंगों को पहचानो और उनका नाम लिखो। आपको यहाँ पर जो है इन रंगों को पहचानना है, उनके नाम जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह है। तो पहला है काला रंग, ठीक है, दूसरा है पीला, ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा भूरा रंग भी लग रहा है और केसरिया थोड़ा मिक्स, लेकिन यहाँ पर जो इसमें दिया गया है किताब में वो देखिए इस प्रकार है, पीला दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पीला रंग है, ठीक है, पीला रंग। उसके बाद जो है गुलाबी रंग, उसके बाद सफेद रंग है, उसके बाद हरा रंग है, उसके बाद नीला रंग है, आसमानी नीला, उसमें जो है पूरा जो बहुत ही डार्क वाला नीला दिया है, तो ये भी आसमानी नीला भी हो सकता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, नमूने के अनुसार लिखो। देखिए बोल जो है मूल जो है क्रिया है, उसमें हम ई प्रत्यय को, प्रत्यय यानी अंत में जोड़े जाने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं, ई जोड़ने से क्या होगा, बोली। उसी प्रकार अभिमान जमा ई जोड़कर क्या होता है, अभिमानी, ठीक है। उसके बाद उपकार जमा ई मिलाकर जो है क्या होता है, उपकारी। ज्ञान जमा ई मिलाकर क्या हो जाता है, ज्ञानी। सावधान जमा ई मिलाकर क्या होता है, सावधानी। जवान जमा ई मिलाकर क्या होगा, जवानी। ये ई से दीर्घ वाला ई से बनने वाले शब्दों को देखा, अब ता से बनने वाले शब्दों को हम देखेंगे। सफल जमाता मिलकर सफलता, नम्र जमाता मिलकर नम्रता, सुंदर जमाता मिलकर सुंदरता,
दीन जमाता मिलकर दीनता, संपन्न जमाता मिलकर संपन्नता, उसी प्रकार सम जमाता मिलकर समता। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद अगला देखेंगे, नमूने के अनुसार मिलान करो। भेड़ चराने वाला क्या कहलाता है, गाय चराने वाला क्या कहलाता है, खेती करने वाला क्या कहलाता है, कपड़ा सीने वाला क्या कहलाता है, रसोई बनाने वाला क्या कहता है। तो भेड़ चराने वाले को गडरिया कहते हैं। एक तो चिड़िया मार को हमने क्या कहा, बहेलिया कहा, उसी प्रकार भेड़ चराने वालों को हमने क्या कहते हैं, गडरिया। गाय चराने वाले को क्या कहते हैं, ग्वाला कहते हैं, ग्वाला। ठीक है, उसके बाद खेती करने वाले वाले को किसान कहते हैं, और कपड़ा सीने वाले को दर्जी कहते हैं, रसोई बनाने वाले को रसोईया। ठीक है, रसोईया ऐसे कहते हैं। इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 16, जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से सागर, इस कविता का जो है संक्षिप्त सारांश देखते हुए इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा की। अगले लाइव क्लास में हम अगले जो है लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।